पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल न करने पर मोहम्मद आमिर ने भावुक होकर दिया बड़ा बयान। मोहम्मद आमिर ने पीसीबी और बाबर पर सादा सीधा निशाना। जी हां दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल नहीं किए जाने पर मोहम्मद आमिर ने भावुक होकर दिया है कौन सा बड़ा बयान, बताएंगे आपको आज के इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले, आप भी मोहम्मद आमिर को एक खतरनाक गेंदबाज मानते हैं और पाकिस्तान टीम के फैन हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वनडे विश्व कप 2023 के लिए मोहम्मद आमिर के टीम में शामिल किए जाने की अटकलें जोरों पर थी। खबरें थी कि नसीम शाह के चोटिल होकर वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद मोहम्मद आमिर को वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान टीम में जगह मिल सकती है और इसके कयास भी लगाए जा रहे थे। हालांकि पीसीबी ने जब शुक्रवार 22 सितंबर को वनडे वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान स्क्वाड का अनाउंसमेंट किया तो उसमें मोहम्मद आमिर का नाम नहीं था, जिसके बाद मोहम्मद आमिर के फैंस काफी मायूस नजर आए। इतना ही नहीं, कई क्रिकेट पंडितों ने भी मोहम्मद आमिर को नहीं शामिल किए जाने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, खुद के टीम में शामिल नहीं होने पर अब मोहम्मद आमिर भी काफी भावुक हो गए और उन्होंने भावुक होते हुए एक बड़ा बयान दे दिया है। मोहम्मद आमिर ने टीम पाकिस्तान में शामिल न करने पर इमोशनल होते हुए कहा कि मैं पिछले काफी महीनों से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूं और मेरी गेंदबाजी को काफी ज्यादा बेहतर कर रहा हूं। मेरा प्रदर्शन सभी लोगों में अच्छा रहा है। मुझे उम्मीद थी कि इस साल के वर्ल्ड कप में मुझे टीम पाकिस्तान की स्क्वाड में जगह मिलेगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और नसीम शाह की जगह बाबर के कहने पर हसन अली को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। या अल्लाह, मेरे लिए काफी दुख भरा है कि अच्छे फॉर्म में होने के बावजूद मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया है। दोस्तों, आपके मुताबिक क्या मोहम्मद आमिर जैसे शानदार गेंदबाज को वनडे वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम में शामिल किए जाना चाहिए था या नहीं? आप भी अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।